भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद राधा मोहन सिंह पहली बार मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया। मुरादाबाद पहुंचे राधा मोहन सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। मुरादाबाद की सीमा में प्रवेश करते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी का स्वागत करना शुरू कर दिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और प्रदेश प्रभारी से मिलने की उमंग साफ नजर आई। नव नियुक्त प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह से मिलने की ललक सभी के चेहरे पर साफ नजर आई। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी का जोरदार स्वागत करते हुए पुष्प गुच्छ भेंट किए और सभी ने अपनी खुशी का इजहार किया। राधा मोहन सिंह जी भारत सरकार के कृषि मंत्री रहे हैं, लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार के। उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रभारी के नाते दायित्व दिया गया, उनका मुरादाबाद प्रवास है पहले, और आज वो जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बैठक है, उस बैठक में सभी जो लोग संगठन के चुनाव की व्यवस्था देख रहे हैं उनके साथ बैठक है। उनके साथ मिलने प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल जी और क्षेत्र अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी रहेंगे। रात्रि विश्राम उनका यही है, कल सुबह यहाँ से अमरोहा के लिए प्रस्थान करेंगे। अमरोहा में भी उनका एक बूथ का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित गजरौला में कार्यक्रम, उसके बाद वो दिल्ली चले जाएंगे। तो सिर्फ MLC चुनाव को देखते हुए इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं या जो जो काम है ये किया जा रहा है? नहीं, इसमें तक निर्वाचन प्रवास का स्थान निर्वाचन क्षेत्र चूंकि संभावित है, जो चुनाव संभावित है पहली तारीख को, तो पहली तारीख को चुनाव को देखते हुए उनकी चुनावी बैठक भी है आज पूरे मंडल के मुरादाबाद कमिश्नरी के, सभी लोग चुनाव की व्यवस्था देख रहे हैं, उनका कार्यक्रम बैठक है। उसके बाद वो शाम को महानगर के जिले के पदाधिकारियों से कार्यालय पर वार्ता करेंगे। सर, MP के बाद UP में भी लोग बिहार को लेकर कानून बनाने की चर्चाएं हैं, क्या मानते हैं? नहीं, ये विषय लंबे समय से सरकार के संज्ञान में है, इस तरह की शिकायत पूरे देश भर में प्रदेश में आ रही है, सरकार इन विषयों को लेकर गंभीर है, इस पर कोई ना कोई समाधान पूर्वक निर्णय सरकार करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकेत भी दिया है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि लव जिहाद नाम का कोई शब्द ही नहीं है संविधान में, इसमें आप सब लोगों को संज्ञान में किस तरह की परिस्थिति रही है और किस तरह हमारी बहनों का शोषण किया जाता है लव जिहाद के नाम पर, तो सरकार उस पर विचार कर रही है, जल्दी जो भी निर्णय होगा सरकार माध्यम से आपको बता दिया जाए। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लगातार हमलावर हो रही हैं, आज भी ट्वीट करके उन्होंने प्रदेश में जो जहरीली शराब से हुई मौत को किया है, क्या मानना है आपको, क्या कि सरकार सारे विषयों को लेकर कानून व्यवस्था हो चाहे आम आदमी से जुड़े विषय हो, सरकार सारे विषयों पर प्रभावशाली कदम उठा रही है, उसके निर्णय के प्रभाव भी माननीय 350 की है दिखती है। कांग्रेस में कांग्रेस के नेता केवल ट्वीट ही करते हैं, कभी उनका कोई किसी सामरिक विषय पर कोई बीच में आना जाना उस विषय को गंभीरता से समाधान की ओर ले जाने का नहीं है। वो लोग अपने आराम से कभी गोवा चले जाते हैं, कभी विदेश चले जाते हैं, प्रदेश से उनका कोई लेना देना नहीं, केवल वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मंत्री जी, लव जिहाद के मामले जिस तरह से तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, क्या लगता है चल क्या रहा है? मैंने आपसे कहा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष संज्ञान में है, और जो भी इस पर सरकार का निर्णय होगा बहुत जल्दी आपको बता देगा।